हेलो दोस्तों, ये मेरे साथ में रॉयल इनफील्ड की सुपर मीटियोर 650 सीसी सेगमेंट में रॉयल इनफील्ड की तीसरी पेशकश है और 650 सीसी की इस मोटरसाइकिल में रॉयल इनफील्ड ने काफी सारी नई चीजें दी हैं जो कि आज तक रॉयल इनफील्ड नहीं देता था। हालांकि डिटेल वॉकराउंड रिव्यू चैनल के ऊपर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आपने हो सकता है देखा भी होगा। इस वीडियो में डिटेल राइड रिव्यू शेयर करने वाले हैं, बाइक चलने में कैसी है, कहाँ पर क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस बाइक के साथ में, किन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन है और किन लोगों को इस बाइक को कंसिडर नहीं करना चाहिए, सारी चीजों के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। तो डिजाइन स्टाइल के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। सुपर मीटियोर जो है वो मीटियोर 350 का एक एल्डर वर्जन आप कह सकते हो, जहां पर ये बाइक जो है वो डायमेंशन वाइज काफी बड़ी है अगर आप इसको मीटियोर 350 से कंपेयर करते हो। हाँ, डिजाइन लुक्स में कुछ एक चीजें हैं जो कंपनी ने ऐड की हैं, जैसे कि यूएसडी सस्पेंशन, एलईडी हेडलैम्प सेटअप, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि लाई गई थी सुपर मीटियोर के साथ में ही। हालांकि अब रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 में भी एलईडी हेडलैम्प ऑफर कर चुका है। सीधा बाइक को चलाने चलते हैं और चला के आपको बताते हैं चलने में बाइक कैसी है, कहां पर क्या कुछ कमी फील होती है। तो भाई, जब आप रॉयल इनफील्ड की सुपर मीटियोर 650 को चलाना शुरू करते हो और अगर आपकी हाइट और वेट मेरे जैसा है, मेरी हाइट जो है वो 5'7" to 8" के आसपास है और वजन जो है वो 70-72 kg के आसपास है। जब आप मेरी जैसे हाइट के बंदे होते हो, जब आप इस बाइक को चलाना शुरू करोगे तो दो चीज़ें आपको सबसे पहले फील होंगी। पहला कि बाइक साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, चाहे आप विड्थ की बात करो, जहाँ पर हैंडल की विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेंथ की बात करो, व्हील बेस की बात करो, और दूसरा कि बाइक का वजन भी बहुत ज़्यादा है। ये मोटरसाइकिल 241 किलोग्राम वजन के साथ में आती है, कर्व वेट की बात कर रहा हूँ। बाकी 15.7 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक आपको मिलता है, तो अगर टैंक आपने फुल कराया तो ऑलमोस्ट 250 किलो वजन जो है वो इस बाइक का हो जाता है। और अगर आपका वजन 70-72 किलोग्राम के आसपास है तो आप बहुत ज़्यादा हेल्थी नहीं है। ऐसे में आपको ये बाइक जो थोड़ा सा हैवी वेट फील होती है। हालांकि सिटिंग पोस्चर वगैरह आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलता है, सीट की कुशनिंग वगैरह अच्छी है, लेंथ वगैरह अच्छी है। जब आप बाइक पे बैठते हो तो पूरा सोफ़ा सेट वाला आपको फील मिलता है। फुटपैक की पोजीशन एकदम आगे रखी गई है, तो पैर एकदम सीधे खुलते हैं और आराम से आप बाइक को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि सीट हाइट जो है वो 740 mm के आसपास है। हालांकि अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी, 5.5 feet या उससे कम अगर आपकी हाइट है तो पैर आपके दोनों नहीं आ पाएंगे। सीट हाइट भले ही आपको यहाँ पर कम नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सीट की चौड़ाई है, जो पैनल्स की चौड़ाई है, वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको पैर जो है बहुत ज़्यादा खोलने पड़ते हैं। और अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हैं तो उतना कंफर्टेबल आप नहीं रहोगे, भले ही आपको यहाँ पर नंबर में 740 mm की सीट हाइट नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़, पैर छोटे होने की वजह से गियर शिफ्टिंग भी आपको थोड़ा सा टफ रहेगी, क्योंकि गियर पोजिशन जो है वो एकदम आगे है, पैडल्स जो हैं जिन पर आप पैर रखोगे वो बहुत ज़्यादा आगे की तरफ हैं, तो पैर एकदम आपका सीधा हो जाएगा अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हैं। तो शॉर्ट हाइट राइडर को मैं सजेस्ट करूंगा सुपर मीटियोर 650 पे ना जाके, मीटियोर 350 अगर आप लेते हो तो वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगी। इसके अलावा बात करें बाइक के इंजन और इसकी परफॉर्मेंस की, तो देखो इंजन नया नहीं है, ऑलरेडी 650 सीसी का ये पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन जीटी में और इंटरसेप्टर में आता है। 47 PS की पावर है, 52 Nm का टॉर्क है, 6-speed गियरबॉक्स है। ट्यूनिंग जो है वो क्रूजर के हिसाब से किया गया है, परफॉर्मेंस इंजन की आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। 100-120 पे आप आराम से क्रूज करो इस बाइक के साथ में, आपको मज़ा आता है बाइक को चलाने में। हालांकि हीटिंग वगैरह आपको ज़रूर फील होगी, लेकिन हाँ, पैर थोड़े से आगे जाते हैं तो उतना ज़्यादा जो है वो हीट आपको फील नहीं होती है। और जब आप सिटी में चलाओगे तब आपको ये चीज़ ज़रूर परेशान करेगी, क्योंकि पैर को बार बार आगे रखना और फिर नीचे रखना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बाइक का वज़न ज़्यादा है, बाइक के साइज़ ज़्यादा है, जिसकी वजह से दो बाइकों के बराबर स्पेस चाहिए इसको अगर आप ट्रैफिक वगैरह से निकाल लो, तो वहाँ पे आपको बाइक जो है थोड़ा सा परेशान करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी वेट फील होती है। अगर आप एक ऐसी बाइक लेना चाहते हो जिसको आपको सिटी में ज़्यादा चलाना है, हाईवे राइड्स कम करनी है, तो वहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, आप सुपर मीटियोर लो। सुपर मीटियोर मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए है जिनको हाईवे क्रूजिंग ज़्यादा करनी है, लॉन्ग रन्स ज़्यादा करते हैं और सिटी में बहुत कम चलना होता है, तब आपके लिए सुपर मीटियोर 650 एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। बाकी प्राइस वगैरह जो है वो 3.5 lakh रुपए से शुरू होता है, 3,85,000 रुपए तक आपको मिलती है। 3 वेरिएंट में आती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो कौन सा वेरिएंट आपको ख़रीदना है, कौन सा नहीं। एक दो चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगी इस बाइक के अंदर, पहला कि जो हैंडल बार जो स्विचेस वगैरह हैं वो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सुपर मीटियोर में USB चार्जिंग पोर्ट आता नहीं है, वो आता है, लेकिन वो आता है साइड पैनल के अंदर, तो वहाँ जो उसकी पोजीशन दी गई है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ नहीं आता है कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि
अगर आपको कोई भी डिवाइस चार्ज करना होता है तो आम तौर पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट हैंडल के आसपास होता है, जिससे कि अगर आपने कोई भी मोबाइल होल्डर वगैरह लगाया हुआ है तो हैंडल पे आपका लगा होता है, वहाँ से आप इजीली चार्ज कर सकते हो। लेकिन यह साइड पैनल के अंदर जो है वो चार्जिंग पॉइंट है। अब या तो आपको साइड पैनल खुला रखना पड़ेगा, वो आप नहीं कर सकते हो बाइक चलाते हुए, प्लस अगर आप साइड पैनल बंद करते हो तो आपने जो भी केबल या वायर यूज़ करोगे वो कट जाएगा। नहीं भी कटता है तो वो इंजन के पास से होके आएगा, तो इंजन हीटिंग की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और इतना लंबा वायर शायद ही आपके पास होगा। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं कि ये पता नहीं क्यों किया कंपनी ने। दूसरी चीज़, मीटर कंसोल। सेम मीटर कंसोल रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 के अंदर ऑफर करता है, जहाँ पे आपको सेमी डिजिटल पार्ट मिलता है, एनालॉग स्पीडोमीटर और डिजिटल पार्ट के अंदर ट्रिप मीटर और फ्यूल गेज वगैरह मिल जाएगा। ट्रिप और नेविगेशन यहाँ आपको मिल जाता है। एटलीस्ट इस मीटर कंसोल को कंपनी को चेंज करना चाहिए था। फुल डिजिटल दे सकते थे, फुल डिजिटल नहीं देना है तो कम से कम डिज़ाइन लेआउट चेंज कर सकते थे। अगर कोई भी बंदा 350 सीसी छोड़ के 650 पे आ रहा है तो उसको प्रीमियम फील चाहिए जब वो स्पेशली बाइक चला रहा हो। तो मीटर कंसोल सामने होता है, वो फील ही नहीं आता कि आप 650 सीसी की बाइक पे हो। आपको वही फील आएगा कि आप मीटियोर 350 चला रहे हो, उसका थोड़ा सा हैवियर वर्जन आपने खरीद लिया है। और बात करें ब्रेकिंग वगैरह की, तो ब्रेकिंग आपको बेहतर मिलती है क्योंकि जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है और फ्रंट ब्रेक रियर ब्रेक दोनों अपना काम काफ़ी ज़बरदस्त करते हैं। डुअल चैनल एबीएस के साथ में बाइक आती है। ब्रेकिंग वाइज रॉयल इनफील्ड की वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आने वाली बाइक आप इसको कह सकते हो। और इसका उल्टा हो जाता है जब आप बात करोगे सस्पेंशन की। फ्रंट में यूएसडी सस्पेंशन है, शोवा से लिया गया है, काफ़ी बढ़िया काम करता है। लेकिन रियर में स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर लगाए गए हैं और वो ऐसा लगता है कि काम ही नहीं कर रहे हैं। एक तो मेरा वज़न उतना ज़्यादा नहीं है, शायद मुझे इसलिए ज़्यादा फील हो रहा है। भाई पीछे का सस्पेंशन ऐसा फील होता है कि वो दब ही नहीं रहा है, और जिसके दो कारण मुझे लगते हैं। पहला कि बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कम है, 135 mm के आसपास है। अगर वो ज़्यादा डाउन जाएगी तो फिर वो नीचे टच हो सकती है। ये चीज़ ना हो इसके लिए मुझे लगता है कि कंपनी ने इसके सस्पेंशन को स्टिफर रखा है। दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि भाई देखो क्रूज़र बाइक है, ज़्यादातर आपको हाईवे राइड्स ही करनी है तो हाईवे वगैरह पे आपको स्टिफ सस्पेंशन चाहिए होता है, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन अगर ये दूसरे वाला रीज़न है तो कंपनी को थोड़ा सा उस पर देखना तो चाहिए था कि कितना स्टिफ हुआ है। भाई ये ऐसा फील होता है कि ये दब ही नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा है एक प्रॉब्लम इस बाइक के साथ में। बाकी हाँ, अगर आपको एक कम बजट के अंदर सुपर बाइक वाली फील चाहिए, आपको एक सुपर क्रूज़र चाहिए, तो वहाँ पर आपको सुपर मीटियोर 650 बहुत पसंद आएगी। लुक्स एंड डिज़ाइन के मामले में ये लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़ करती है, बहुत सारे लोग नहीं बता पाते कि ये रॉयल इनफील्ड की बाइक है। और अगर आप बैजिंग वगैरह ढक दो तो शायद कुछ लोग इसको हार्ले डेविडसन वगैरह भी कंसिडर कर लें, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी इस बाइक के साथ में आपको मिलता है। तो ओवरऑल बाइक चलने में कैसी है मैंने आपको बताया। अब आप मुझे कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना।